किते पार पार गोली चलनी जदों किते पार पार गोली चलनी आईना ही पहाड़ा वांगू सीने ताने हो गोली बच्ची जे तू सोची जाना अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे दोस्तों। हम जो है अब हमारा दूसरा दिन है पंजाब में। हम लोग जो है मलेरकोटला पहुंच चुके हैं और जो है अब हम आगे के लिए निकल रहे हैं। हमें जो सबसे पहले जो है सिद्धू मूसे वाले के जो घर है वहां जाना है। वो हमारे लोगों की बहुत सी तमन्ना भी थी वहां जाने की, तो उसी के लिए हम लोग वहां जा रहे हैं। हमारे सारे डेरे वो तैयार हो चुके हैं, सभी जितने भी साथी थे, और अब जो है हम यहाँ से निकल रहे हैं। सारे डेरे बिल्कुल तैयार हैं इंशाल्लाह। साहब भी आ गए हैं, देखो ये सब आ गए लोग। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली लोकेशन पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो सबसे पहले जो है हम मलेरकोटला की ईदगाह है, बहुत फेमस ईदगाह है, अपना एक इसका इतिहास है, अपना सब कुछ है। सबसे पहले हम यहाँ पहुँचे, हम जो है मुफ्ती साहब के लड़के जो थे उनके साथ ने हमने का सफ़र शुरुआत की। यहाँ जो है इन्होंने हमें सब कुछ घुमाया, सारे में मतलब एक एक चीज़ के बारे में मालूम दी कि ये इसका क्या इतिहास है, कब इसकी इब्तिदा हुई और कब इसमें किस तरीके का इसका निज़ाम है, कैसे चलती है इसकी, क्या क्या से क्या इसका गठन है कमेटी का, किस तरीके से काम को अंजाम देती है। और ये जो है इसकी इन्होंने हमें बताया कि इसकी खसूसी बात है कि किसी भी साल में कोई सा भी सीएम हो, मतलब उस वक्त का मुख्यमंत्री हो, यहाँ ज़रूर आता है ईद वाले दिन। और जो यहाँ आके जो है वो ऊपर से जो पीछे दीवार है आप देख रहे होंगे, पीछे गुंबद है, यहाँ से वो पूरे यहाँ को जितने भी वहाँ आवाम होती है उससे रूबरू होते हैं और वहाँ अपना बयान देते हैं। और जो है माशाल्लाह यहाँ जो उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि यहाँ नमाज़ होती है, यहाँ ये होता है, और जो है यहाँ शाम के वक्त माशाल्लाह बहुत भीड़ होती है। हम तो दोपहर के वक्त गए थे तो सब कुछ सोम शाम सा था, लेकिन माशाल्लाह फिर भी बहुत मन लग रहा था वहाँ पर, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत अच्छी जगह थी माशाल्लाह, बहुत 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 अच्छा लगा। हम जो है अब यहाँ से जो है दरगाह के लिए निकल चुके हैं। हाजी अली दरगाह है, माशाल्लाह प्रसिद्ध दरगाह है, उसका एक अपना इतिहास रहा है, तो उसी के लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े। अब जो है इसके बाद जो है हम लोग यहाँ हाजी अली की दरगाह पर पहुँचे। यहाँ की जो है कमेटी थी उसने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारा स्वागत किया, और यहाँ जो है पंजाब वक्फ बोर्ड के जो लोग थे सीईओ साहब यहाँ के, उन्होंने भी बहुत अच्छा स्वागत किया माशाल्लाह, अपने ऑफिस में बिठा के पूरा इस्तकबाल किया और पूरी बातें की उन लोगों ने कि क्या क्या यहाँ का निज़ाम है। और हाजी अली जो थे इनके बारे में बताइए, ये बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों का मानना है कि ये इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत की है, जिनसे इन्हें सहाबी का लकब मिला है, और भी बहुत सारी बातें इन्होंने हम लोगों को बताई। और उसके बाद ये हमने यहाँ से इजाज़त ले ली और इनसे दुआ सलाम की माशाल्लाह, फ़ोटो वगैरह भी लिए थे, उसका सीन में डाल दूँगा। और सारी चीज़ें यहाँ हुई, बहुत लंबी बात हुई नमाज से फारिग होने के बाद, हम लोगों ने यहाँ से जो है वाबस्ता किया और उनसे दुआ सलाम की, एक लंबी मुलाकात हुई। यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली इनके बारे में, अल्लाह वालों के में। और दूसरा जो है यहाँ इसके बाद जो है हम एक और जगह पहुँचे जहाँ यहाँ जो है ये एचआर साहब हैं, ये जो है चेयरमैन हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ पंजाब के, इनकी फाउंडेशन है एक, उसमें इन्होंने हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया। इनके जो सारी पूरी टीम यहाँ मौजूद रही माशाल्लाह, यहाँ एक हज कमेटी के मेंबर भी मौजूद रहे जिन्होंने पूरी अच्छी तरीके से हमारा इस्तकबाल किया, और जो है सभी लोगों ने माशाल्लाह सभी का इस्तकबाल किया, सभी लोग मौजूद थे, हमारे टीम के सारे मेंबर मौजूद थे, सबका इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस्तकबाल किया, जिसके लिए इनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। और इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है यहाँ से फारिग हुए, और उसके बाद जो है हम लोग माशाल्लाह अंदर बैठे, हमने जो है नाश्ता वगैरह यहाँ किया, और जो है काफ़ी सारी बातें हुई, और जो है उसके बाद इन्होंने सबका तारुफ़ कराया, और फिर जो हम यहाँ से आगे के लिए निकले। इसके बाद जो है हम जो है आगे के निकल गए, जो हमारा ख़ास जगह थी मानसा, सिद्धू मूसे वाले द घर, उस पीछे जाके वहाँ देखना क्या क्या माहौल है। वहाँ हम जो है पहुँचे, वहाँ जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया, हमें रिसीव किया और अपने पास बिठाकर काफ़ी सारे बातें की। उसके बाद जो है हम लोग बाहर चले गए, बाहर काफ़ी सारे बातें की, उन्होंने बताया कैसे कैसे क्या हुआ था, और जो है खूब सारी बातें हुई और काफ़ी सारी चर्चाएं हुई। उन्होंने मैंने एनजीओ के बारे में बताया था अपनी, इंडिया खिदमत फाउंडेशन का हमने इब्तिदा की है, उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी सारा बताया कि माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, इसे इस तरह से करते रहिए, अंजाम देते रहिए, कि सिद्धू का भी यही सपना था आगे जाके वो सेवा करे, सब कुछ लोगों को जोड़ के रखे। तो यही सारी हमारी काफ़ी सारी बातें हुई, और जो है उसके बाद जो है हम आगे के लिए निकल गए। उसके बाद जो है हम जो है पीछे आ गए जहाँ सिद्धू पाजी का कार कलेक्शन है, उदे विच बैठ के हमने बहुत सारी गल की सी, और वहाँ हम पहुँचे, हमने सारी गाड़ियाँ देखी, उनके ट्रैक्टर देखे,
जो उन्होंने बताया था कि सिद्धू पाजी के पिताजी ने कि ये सब इन्हें गिफ्ट में मिली थी, और जो है सारी चीज़ें देखी। उसके बाद हमने गाड़ी देखी जहाँ गोली लगी थी, उथे उन्होंने पहुँचे, और जो पहुँच कर उन्होंने जो है हमें जो है सारी चीज़ें बताई कि यहाँ ये ऐसे गोली लगी, इतनी गोलियाँ इधर हैं, और पूरा दिखाया उन लोगों ने कि देखो कैसे कितनी बेरहमी से गोलियाँ चलाई उन्होंने, और सारा सब कुछ दिखाया उन लोग उस उन्होंने मुझे और हमारी पूरी टीम को। हमने सारी चीज़ें देखी, और जो है काफ़ी सारा लंबा समय हमने बिताया उनके साथ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो है तफसीर से बताया कि कहाँ कैसी गोली लगी, पूरे निशानात दिखाए गोली के कि कितनी कितनी गोलियाँ कहाँ कहाँ लगी, और जो है आगे भी जाके उन्होंने मतलब कि एक साइड से जो है राइट साइड से पूरी गोलियों से पूरी भुन थी गाड़ी, क्योंकि साफ तौर पर आपको भी दिख रहा होगा कि गोलियाँ कितनी लगी हुई हैं यहाँ पर, आप भी देख सकते हैं अपने फेस से। उन्होंने पूरा तफसीर से बताया आगे जाके पीछे से सारी चीज़ें दिखाई हम, मैं दिखा सकता हूँ आपको वीडियो में, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग बाहर आ गए, हमने जो है ट्रैक्टर वगैरह जो सिद्धू पाजी को गिफ्ट में मिले थे, उन्होंने बताया था कि सभी ने गिफ्ट मिले हुए हैं, तो हमने वहाँ काफ़ी सारे ट्रैक्टर देखे, और मैंने जो है एक दो फ़ोटो भी लिया यहाँ पर यादगारी के लिए माशाल्लाह, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। इनके वालिद साहब ने जो हमें प्यार दिया यहाँ के, अपना समझ के बेटा समझ के बिल्कुल सारी चीज़ें दिखाई, वो सारा व्यवस्था का, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सब। तो भाई सिद्धू पाजी की तरफ से मिली है केएफ भाई को ये बुक, सिद्धू पाजी केएफ भाई पंजाबी सीखेंगे, ये सब पढ़ना है पंजाबी सीख के फिर वापस आएंगे एक बार। हेलो भाई, दोस्तों मैं आपका मोहम्मद कैफ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी। मैंने आपको पूरा टूर दिखाया, अगर आपको कर दें बस सब्सक्राइब चैनल को, वीडियो को लाइक। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में इससे भी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखें।